इनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? And two, I think it was a very brave step to heckle Arnab Goswami. उस बंदे की कोर कॉम्पिटेंसी में घुसा ये है. ब्रेवरी जिस आदमी ने पूरी जिंदगी वो किया हो और तुम पहली बार कर रहे हो और तुम सोचो कि आई कैन डू अ गुड जॉब ऑफ इट, दैट इज बिलीफ. कामरा हैड दैट बिलीफ इन हिमसेल्फ, ही डिड दैट. यू नो, आपको फ्लाइट में लियोनार्डो डा विंची दिखे और आप बोलो मैं तेरी पेंटिंग बना के दिखाऊं? कामरा ने वो किया, डा विंची. कुछ लोग कंफ्यूज हैं, मैं डी कैप्रियो की बात नहीं कर रहा. आप सोच रहे हो साला कोकेन स्मार्ट कर रहा था, ये क्या बोल रहा है पेंटिंग, वो एक्टर. ये मैं 600 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए. टाइटैनिक में वो पेंट कर रहा था, किसी ने ये बोला अभी, है ना? कौन है आप? अगली इंडिगो फ्लाइट कब ले रहे हो? मैं आऊंगा टिकट लेके आपको, उसमें मैं ऐसे ही हेकलिंग के सेट में मेरे को हेकल कर रहे हैं. गुड जॉब. पर ब्रेवरी चाहिए. और फिर भी लेकिन डिबेट बढ़ता गया, लोगों ने बोला पोलाइटनेस होनी चाहिए ना बात में, पोलाइट होना चाहिए था उसको. बात भी करनी थी तो थोड़ा पोलाइट हो जाता. सैमुअल एल जैक्सन की एक फिल्म है स्नेक्स ऑन अ प्लेन, उससे हमने ये सीखा है जब प्लेन में सांप हो तो पोलाइटनेस काम नहीं आती है. आपको चिल्लाना पड़ता है देर आर स्नेक्स ऑन द प्लेन एंड इन दिस केस देर वॉज अ स्नेक ऑन द प्लेन. कामरा हैड टू डू दैट, है ना? वो फिल्म में भैया बंदूक बंदूक निकाल लेता प्लेन में. वो थोड़ा वहां उससे बोल रहा आके सिविलाइज डिबेट करते हैं, थोड़ा मैं समझाता हूं कि तुझे प्लेन में क्यों नहीं होना चाहिए. तो सैमुअल एल जैक्सन ये सब नहीं करता, निकालता बंदूक दाएं दाएं फायर करता. पिछले साल बॉम्बे में हॉरिबल न्यूज एक्चुअली, स्टैम्पीड हुआ परेल स्टेशन पे, एल्फिंस्टन रोड पे हुआ था. पहले उन्होंने कहा सबसे पहले तो नाम बदलो सारे. नाम बदल प्रभा देवी कर दिया. कोई बोलेगा कभी कि एल्फिंस्टन पे हुआ था स्टैम्पीड? हुआ है ही नहीं ऐसा कोई स्टेज. आप कुछ भी बोल, ऑल्ट न्यूज को आना पड़ेगा बीच में समझाने. ऑल्ट न्यूज पे बड़ी दया आती, बहुत दया आती बेचारे. ऐसी ऐसी चीज उनको बस्ट करनी पड़ती है. वो मोदी जी के पीछे डायनासोर नहीं है. ये सब उनको बस्ट करना पड़ता. गर वो जटायु किस आ गया, कोई बड़ा सा पक्षी था वो चला दिया. परेश रावल से लेकर पूरा राइट विंग लगा हुआ जटायु है. ये जटायु देखो कितना माइथोलॉजिकल बर्ड है भैया. अब साले तुम घोड़े को चार कलर मार के बोल दोगे कि ये साला यूनिकॉर्न घूम रहा है यहाँ पे. ऑल्ट न्यूज वाला बेचारा रात भर जाग के उसके वो फैक्ट ढूंढेगा कि घोड़ा कहाँ था. साला बिहार में कहीं बैठा हुआ था, उस पे ना होली के दिन चार चूतियों ने रंग मार दिया था. एल्फिंस्टन रोड पे हुआ स्टैम्पी. नॉर्मल डे एट वर्क, 24 लोग मारे गए. बेमौसम बरसात हुई, लोग छाता नहीं लाए हुए थे, लोग रुक गए फुट ओवर ब्रिज पे स्टेशन से निकलने के टाइम पे. रश आर सुबह का 10:30, रश आर था, बहुत भीड़ थी, बेमौसम बारिश हुई, लोग बाहर नहीं निकल पाए, वहां भीड़ हो गई, भीड़ में स्टैम्पीड हो गया, 24 लोग मारे गए इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन अ नॉर्मल डे एट वर्क फॉर नो फॉल्ट ऑफ दिस. एंड स्टिल द रिस्पॉन्स आफ्टर दिस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट वॉज सो अमेजिंग. मेरी आंखों में आंसू आ गए देख के. इनका कंसर्न
ना, उसके बाद उन्होंने हर स्टेशन पे स्टिकर लगवा दिए जिसमें लिखा हुआ था चलना कैसे है। स्टेशन पे लिखा हुआ था रेलिंग पकड़ के चलें, एक जगह लिखा था ग्रिप वाले जूते पहनकर आएं, एक जगह लिखा हुआ था एक दूसरे को धक्का ना दें। लेकिन मेरा फेवरेट स्टिकर था अंधेरी स्टेशन पे लगा हुआ। अंधेरी स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 4 की सीढ़ियों पे स्टिकर लगा था एक टाइम पे एक ही पैर उठाएं। मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद मैं वहां पहुंचा था जहां पे मैं एक टाइम पे एक ही पैर उठा रहा था। सरकार ने मेरे को टिड्डा, बंदर, कॉकरोच क्या सरकार ने क्या समझा है मेरे को, ये क्या चल रहा, ये किस तरह की एडवाइस है। आई वॉज लाइक नो दिस जस्ट दे हैज टू बी अ डीपर मीनिंग, दिस हैज टू बी अ कोट बाय सदगुरु, इसके पीछे कुछ और है। मैं बैठ गया वहां स्टेशन पे, मैं बैठ के अपना, अब आप मेरे पे नहीं हंस रहे ना, उस लाफ पे हंस रहे थे ना। मैंने सोचा इसमें कुछ और मीनिंग होगा, सीरियसली जस्ट कांट बी अ सिंपल थिंग यार, एक टाइम पे कि पैर उठाओ। मैं वहां बैठ गया जैसे गौतम बुद्ध बैठ गए थे बोधि वृक्ष के नीचे और 12 साल में उनको बोधिसत्व प्राप्त हो गया था। मुझे लगा डेफिनेटली मैं इसको बार बार पढ़ता रहूंगा तो आई एक्चुअली रीच द डीपर मीनिंग। और मैं वहां बैठ के पढ़ रहा हूँ एक टाइम पे एक ही पैर उठाएं, एक टाइम पे एक ही पैर उठाएं। मेरे पीछे भीड़ लग गई लोग, क्योंकि स्टेशन रश आवर में बैठा हुआ हूँ सीढ़ियों पर। लोग बोले हट जा भैया स्टैम्पीड हो जाएगा। मैंने बोला सिंपल है यार, एक टाइम पे। यूपी में फरुखाबाद नाम की जगह है, वहां पे हुकुम सिंह नाम के एक बंदे का बैंक अकाउंट था SBI में, और एक और हुकुम सिंह उसी डिस्ट्रिक्ट में था SBI में, उसका अकाउंट था। समहाउ दोनों हुकुम सिंह के बैंक अकाउंट फ्यूज हो गए। SBI में लंचार में ऐसा हो सकता है, हो गया, बस हो गया। उसमें एक हुकुम सिंह पैसा डाल रहा है, वो दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, वो निकाल रहा है, ये डाल रहा है वो निकाल रहा है। बहुत देर में जब पता चला, वो हुकुम सिंह से पूछा गया कि भैया आपको क्या लगा पैसे कहां से आ रहे हैं? बोला मुझे लगा मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने जो 15 लाख प्रॉमिस किए थे वो दे रहे हैं। इस आदमी का भोलापन मैं वारी जाऊं। उसको लगा मोदी जी ने जो 15 लाख प्रॉमिस किए हैं वो ऐसे 200, 250, 500 के इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। मोदी जी वो 2 बीघा जमीन के बलराज साहनी हैं जो दिहाड़ी में रिक्शा चला रहे हैं और सोच रहे हैं आज 200 मिला है, आज 200 ही दे देते हैं हुकुम सिंह को। कुछ तो बेचारा वेट कर रहा वहां पे, आज कोई नहीं, आज 272 रुपया ही हम दे देंगे। लेकिन वो दूसरे हुकुम सिंह से किसी ने नहीं पूछा कि तेरे को क्या लगा तेरे पैसे कहां जा रहे हैं भाई। फाइनली जब पूछा गया वो बोला मुझे लगा नेहरू जी निकाल रहे हैं। मैं कागज देखता रहूंगा बीच बीच में, हाँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूं चीजें और इस पे मैं अभी बात करूंगा 2 मिनट दिखाना मत और ये सब। मैं त्रस्त हो चुका हूं जब मैंने वो कविता जब से पढ़ी है उसके बाद से। मैं अभी भुवनेश्वर से वापस आ रहा था फ्लाइट से, मैं एयरपोर्ट पे, वो बोर्डिंग पास उसने दिया और वापस खींच लिया, बोला कागज नहीं दिखा। मेरे हाथ में कहीं लोगों को कागज दिख जाता है ना वीडियो में फोटो है, कागज दिखा रहा कागज, तेरे शो में हम टिकट नहीं दिखाएं। अरे यार पोएट्री है वो, उसमें कॉन्टेक्स्ट होता है, मेटाफर होता है, सिंबोलिज्म होता है,
साफ साफ लिखा हुआ था मैंने अंग्रेजी में जब पहला वीडियो डाला उसमें, साथ में ट्रांसलेशन लिखा था, एनआरसी पेपर्स वी वोंट शो, डिस्क्रिमिनेशन जहां होगा वहां कागज नहीं दिखाएंगे, ये था। लेकिन नहीं भाई, ठीक है वो, ठीक है मैं बैड फेथ वालों को छोड़ रहा हूँ जिन्होंने मान ही लिया कि ये उल्टा है, लेकिन गुड फेथ वाले जो हैं उनको फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि समझा दूं, पोइट्री के और मतलब होते हैं, हर रेवोल्यूशन का सिंबोलिज्म होता है। महात्मा गांधी जब नमक सत्याग्रह करने निकले थे उनको आयोडीन की कमी तो नहीं थी, जो लोग लाख लोग उनके पीछे पीछे चले थे वो ये सोच के तो नहीं चले थे कि 10 ग्राम नमक मिल जाएगा। आ गया औकात पे तू वोट की तलाश में, नाराजगी देख जमाने की, किसान भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, हमारे जैसा मतदाता तुझसे न फंस पाएगा, ये गरीबों का ज्वाला तेरी कोठियां पिघलाएगा, कितना तूने खाया है और कितना अब तू खाएगा, नीयत तेरी खराब है फिर भी ख्वाब दिखाएगा, वोटर तेरा बाप उसके आगे हाथ फैलाएगा। अब चैन से तू जीने दे, कुछ ना मंदिर मदीने में, मर्ज नहीं है जीने में, गुस्सा भरा है सीने में, कुर्सी तेरी छीनेंगे चुनाव के महीने में, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नेता बनकर आया है पर नोटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नेता बनकर आया है पर नोटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नेता बनकर आया है पर नोटा लेकर। किसी ने काम नहीं किया पर राजा ते ये कितनी जुर्रत से है, जितनी ताकत रिश्वत में नहीं उतनी वोटर में है, फिर भी जनता सहमत नहीं है क्योंकि राहत नहीं है, जरूरत यहाँ ईमानदारी और विकास की है, पानी की है, शिक्षा की है, आमदनी की, रक्षा की है, अदालत इंसाफ की है, रोजी की है, रोटी की है, जीने की अब चाहत की, लाचारी की अब आदत नहीं है, मेरे देश जैसा कोई हार्ड इंच नहीं है, इस हालत ने हिमाकत दी है, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नेता बनकर आया है पर नोटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नेता बनकर आया है पर नोटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नेता बनकर आया था पर नोटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, तू नोटा लेकर जाएगा। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा